नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा महिला आरक्षण की। जी हां, महिला आरक्षण। अब महिला आरक्षण के बहाने उठे ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर चर्चा और ज्यादा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण यहां होती हुई नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में नारी शक्ति मंदन अधिनियम जो है वो बहुमत के साथ पास हो गया। बिल पास होने के बाद बीजेपी और एनडीए के तमाम महिला सांसदों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और आज दिल्ली में एक बड़े जश्न की तैयारी भी है। बीजेपी मुख्यालय में महिला मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगी। सुबह से महिला कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर दिख रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई करीबन 2000 महिलाएं पीएम मोदी का सम्मान करेंगी। इधर विपक्षी गठबंधन इंडिया, जिसके तमाम दलों ने इस बिल का समर्थन तो किया, लेकिन एक सुर में ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना की मांग भी कर दी। अब आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सवाल यह कि आरक्षण आखिर किसके गले की फांस? इंडिया को ओबीसी से आस और 2024 की लड़ाई ओबीसी जातीय जनगणना पर आई। इन तमाम सवालों के बीच क्या किस तरह के रिएक्शंस राजनीतिक दलों की तरफ से आए हैं वो सुनिए। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दी, और 1995-96 में एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे, जरा हमको इसका ज्ञान वर्धन की। कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन नहीं है। 110 या 30 सीट है एससी एसटी का, 1/3 इजीली आप कर देंगे, या रोटेशन में कर सकते हो तो कर सकते किसी और तरीके से। लेकिन ओबीसी मोर देन 60% लोग हैं, उनके महिलाओं को कहाँ मिलेगा? आप बोलिए, उनके महिलाओं को अगर मिलना है तो संविधान अमेंडमेंट करके या इसमें उसको अमेंडमेंट में ला के ही उनको दे सकते हैं। ये लोग हमेशा से पिछड़ा विरोधी रहे और ये मानसिकता जो है इनके महिला आरक्षण बिल में जो है छलकता हुआ दिख रहा है, तो उसलिए सब लोग जो है इस बात को तो उठा ही रहा है। और आखिर क्या वजह है कि भाई इसमें महिलाओं अति पिछड़ा हो या पिछड़ा या माइनॉरिटी महिलाओं को इन्होंने आरक्षण नहीं दिया? तो जाहिर सी बात ये नहीं चाहते कि उस वंचित शोषित समाज की महिला भी यहाँ आए। ओबीसी वर्ग जो है लड़ाकू वर्ग है, अगर इनके 60% हक को ये छीनेंगे तो ईंट से ईंट ओबीसी बजा देंगे। मांग ही कर रहे थे, लेकिन आप रिजर्वेशन लेकर आए हैं, और जब आप ये रिजर्वेशन लेकर आए हैं, जब आपका अस्तित्व और वर्चस्व ओबीसी वोटर के बेस पे है और आप 10 साल सरकार में ओबीसी वोटर्स के बेसिस पे ही हैं, तो आप ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं उनका राजनीतिक अधिकार देना चाहते हैं? तो हम इन जो तमाम राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है उसे साफ तौर पर लग रहा है कि बेशक संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास तो हो गया, लेकिन अब असल जो लड़ाई है वो अब होती शुरू हो रही है। और इसीलिए सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या 2024 की लड़ाई महिला आरक्षण बिल के साथ साथ ओबीसी जातीय जनगणना पर आ गई? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, बहस करेंगे, विश्लेषण करेंगे।